जिला सिरमौर में कोरोना टीकाकरण के तहत पहली डोज का 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। जिला में अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। इस उपलब्धि के लिए वैक्सीनेशन टीम और इस कार्य में लगे अन्य लोग बधाई के पात्र हैं। ये बात उपायुक्त सिरमौर आर के गौतम ने मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय नाहन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सब डिविजन टास्क फोर्स के बेहतर कार्यान्वयन से ये संभव हो पाया है। डीसी आर के गौतम ने कहा कि जिला सिरमौर में पहली डोज के लिए 3.93 लाख लोगों की वैक्सीनेशन करने का टारगेट रखा गया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3.96 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में वैक्सीनेशन के लिए 100 वैक्सीनेटर की टीम तैयार की गई थी। इसके अलावा इनके साथ वेरीफाइड टीम थी, जिनमें आशा वर्कर आदि शामिल रहे। उन्होंने भी अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया। टीम द्वारा खासकर रिमोट एरिया में डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी वेव से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। 92,000 लोगों को जो था 92,000 लोगों को हमने वैक्सीनेट करना था, और ये टारगेट हमारा था कि जिले में जितने 18 साल से ऊपर जितनी पॉपुलेशन थी उनको पहली डोज लगाने के लिए नंबर था। तो 31 अगस्त को हमने 3,96,000 लोगों को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया है। इससे हमारा जिला जो है वो 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन के कैटेगरी में शामिल हो गया है। इसके लिए मैं सभी मीडिया जो हमारा यहाँ पर जिला सिरमौर में है, जिन्होंने स्मेस में पर लोगों को अवेयर भी किया और हमारा जो प्रोग्राम तो जनता तक पहुँचाए, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में जो हमारा पंचायत लेवल टास्क फोर्स थी, जिन्होंने गांव-गांव जाके घर घर जाके जो है एक नंबर तैयार किया कि कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, कितने लोग छूटे हैं, और फिर हमारी जो सब रीजनल लेवल टास्क फोर्स थी हेडेड बाई SDM, उन्होंने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ उस जगह कैंप्स लगाए जहाँ पे लोग बचे हुए थे, और हर जगह कैंप लगा के जो है आज हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम सफल हुए हैं। तो इसके लिए मैं उन सभी टीम्स को जो है, जो हमारी वैक्सीनेटर्स हैं, जो हमारी पंचायत लेवल टास्क फोर्स है, जो हमारी सब रीजनल टास्क फोर्स, सभी को बधाई देना चाहूँगा और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने समयबद्ध तरीके से जो इस टारगेट को अचीव किया। अब हमारा जो है वो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो शीघ्र ही चल पड़ा है। हमने इसको शुरू कर दिया है और हमारा टारगेट है कि नवंबर महीने के अंत तक, 30 नवंबर तक जो है जिला सिरमौर में जितने भी लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लगी है, उन सभी को जो है सेकेंड डोज की जो है वैक्सीनेशन भी हो जाए। तो थर्ड वेव की COVID-19 की तैयारियों के संबंध में है, तो हमारे यहाँ पे जिला में 2 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। एक तो हमारा 100 LPM का जो है वो सिविल हॉस्पिटल इसमें पौंटा में लग रहा है, और 500 LPM का डायरेक्टर इसमें मेडिकल कॉलेज नाहन में लग रहा है। तो दोनों ही हमारे जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ऑपरेशनल उनका टेस्टिंग आज की डेट में चली हुई है और शीघ्र ही 1-2 दिन में जो है वो ऑपरेशनल भी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के हिसाब से जो जिला में आज के समय में कोई कमी नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास लगभग 800 के आसपास डी टाइप सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, जो कि डिफरेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है वहाँ पे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, या इन केस ऑफ इमरजेंसी में उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमारा एक 100-bedded जो है वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो है वो भी यहाँ पे बनने जा रहा है नाहन में, जिसका जिस वक्त चला हुआ है, और उसमें पूरी तरह की जो फैसिलिटीज़ होंगी जो भी पेशेंट्स के लिए जरूरी होगी, ऑक्सीजन लैस उसमें सारे बेड्स होंगे, OPD की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और वो भी हमारा जो 30th September तक जो बनके हमारा टारगेट है कि तब तक वो बनके तैयार हो जाए। तो इस तरीके से जो है अगर आप पूरा इसका करें, एनालिसिस करें, तो थर्ड वेव के लिए जो है हमने काफ़ी अच्छी तैयारी उसमें की है, और लोगों को जो है किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि आप अभी भी जैसे जैसे हमारे कोई सोशल फंक्शंस होते हैं, विवाह शादियां हैं, कोई त्यौहार आते हैं, तो काइंडली आप COVID-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें कि मास्क लगाना अनिवार्य है और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाना उसमें अनिवार्य है। साथ में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप कहीं जाते भी हैं तो मास्क लगाए रखें और 6 फीट की जो दूरी है और उसको जो मेंटेन करके रखें। बसों में भी जाएं तो कम से कम आप मास्क पहन के बसों में सफ़र करें, ताकि कोई COVID-19 इन्फेक्शन हो उसको जो फैलने से रोका जा सके।